अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैंने थोड़ी सी इस पे हाथ पे बेस अप्लाई की थी फाउंडेशन, ताकि ये हाइलाइटर ऐसे नहीं जमता है जब तक आपके फेस पे बेस ना हो। ठीक है जी, ये मैंने बेस अप्लाई की थी और फिर मैं ब्लशन भी आपको इसके साथ मिक्स करके दिखाऊंगी कि कैसे पहले आप हाइलाइटर लगाएं और फिर आप इसके बाद ब्लशन लगाएं तो कितना खूबसूरत इसका रिजल्ट आता है। ठीक है, चलें जी शुरू करते हैं। ये है मिस रोज़ का और ये है किरण का। इसको थोड़ा सा मैं ऐसे निकाल लूँगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो आप इसको ऐसे थोड़ा सा ऐसे निकाल लें। ठीक है, तो इस तरह से हैंड के साथ, फिंगर के साथ आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, आप इसको ब्रश के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए जी, आप आईज मेकअप में भी यूज़ कर सकते हैं आप इसको लूज़ पाउडर में मिक्स करके एज अ फेस पाउडर के तौर पर भी, कॉम्पैक्ट पाउडर के तौर पर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको अगर इस तरह का आपके पास है ट्रांसपेरेंट पाउडर है लूज़ पाउडर, तो आप इसमें थोड़ा सा इसको अगर मिक्स करके लगाएंगे तो इसका रिज़ल्ट बहुत कमाल आता है। ठीक है, इस तरह से सिर्फ इतने दो ड्रॉप्स। ठीक है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं, आप इसको एज ए हाइलाइटर भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको दूसरे वाला लगा के दिखाती हूँ, ये मिस रोज़ वाला। इसके ऊपर फिर आपने ये एम्ब्रिज का, मेरे पास आप मुझे बताइएगा आप लोगों को इसका रिजल्ट अच्छा लगा है या इसका मिस रोज वाले का। और ये एम्ब्रिज का है ब्लशन, तो फिर बाद में मैं इसके ऊपर ब्लशन लगाऊंगी। मुझसे गिरा है तो टूट गया है, बस इतना सा लेंगे और इसको इस तरह से टच कर लेना है आप लोगों ने। तो फिर ये मैं लगाते हैं तो ये फिर उसी का ही रिजल्ट देगा आपको। अगर आप पहले ऐसे हाइलाइटर लगाएंगे तो उसके ऊपर आप इस तरह ब्लशर लगाएं, ये देखें, बहुत खूबसूरत रिजल्ट है इसका। आप मुझे बताइएगा कि आप लोगों को कौन सा हाइलाइटर अच्छा लगा है। चलें जी, ये आप रिज़ल्ट देख सकते हैं इसका हाइलाइटर का, तो आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है कमेंट करके कि आप लोगों को कौन सा हाइलाइटर अच्छा लगा है। और ये जस्ट सिर्फ 30 रुपये का मैंने लिया है सेल से, और ये वाला जो है ये है 3800 का। ठीक है, तो आप लोगों को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। और मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।